वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल भी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। शरद पवार ने दोनों नामों का ऐलान कर दिया है और ये दो नाम वो भी है जिनके बारे में कयास इससे पहले भी लगाए जाते रहे हैं। सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गई हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। शरद पवार ने ही ये दोनों नामों का ऐलान किया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनसीपी में दो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। देश के किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, आदिवासियों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा रखने के लिए, इनकी समस्या हल करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। और ये काम उसी शिवाजी पार्क मैदान में हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। देखते हुए इस वक्त नीरज ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, सुप्रिया सुले का नाम इससे पहले भी हमें लग रहा था, प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आया था और ये बहुत बड़ा ऐलान है, कैसे इसे देखा जाए? देखिए, शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जाए, जिस तरह से हाल के वक्त में अजीत पवार की गतिविधियां पार्टी के अंदर बढ़ी थी और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठजोड़ को अंजाम दे सकते हैं। और पिछली बार आपको याद होगा, शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने की पेशकश की थी, फिर कमेटी बनी और उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। तो पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने आगे की राह बता दी है कि उनके बाद अध्यक्ष पार्टी का कौन होगा, दोनों में से कोई एक होगा और सुप्रिया सुले ही आने वाले वक्त में पार्टी की अध्यक्ष होंगी, इस बात की संभावना है। तो दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एक मैनेजमेंट का काम, मैनेजर के तौर पे जाने जाते हैं एनसीपी में, और सुप्रिया सुले लोगों से मिलते जुलते भी हैं, पार्टी की सांसद भी हैं। तो अजीत पवार को बड़ा झटका है, अजीत पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है और शरद पवार ने इस घोषणा के लिए दिल्ली और पार्टी के 25वें स्थापना दिवस को चुना, उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि शरद पवार इस तरह की राजनीति में माहिर है। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।